बिहार में अनलॉक का कैसा रहा पहला दिन? क्या लखनऊ और नोएडा में मेट्रो सेवाएं हुई बहाल? कहां अनलॉक होते ही टूट गए कोविड गाइडलाइन के सारे नियम? इन खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना लॉक अनलॉक। बिहार में अनलॉक के पहले दिन ही सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी पटना में कई जगह ट्रैफिक से सड़क जाम हो गया। वहीं मॉल्स और दुकानें खुलने के बाद वहां भी भीड़ देखने को मिली। अनलॉक के पहले ही दिन लोग कोरोना से बेपरवाह दिखे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सर्वे अभियान शुरू हो गया है, जिसमें उन बच्चों का पता लगाया जा रहा है जिनके माँ बाप की कोरोना से मौत हुई है। सर्वे टीम इलाके में घूम घूम कर ऐसे अनाथ बच्चों की लिस्ट तैयार कर रही है। अब इनकी जिम्मेदारी बाल सेवा योजना के तहत उठाई जाएगी। यूपी में अनलॉक होने के बाद अब मेट्रो सेवा भी आज से बहाल हो गई है। लखनऊ में मेट्रो सेवा आज से शुरू की गई है। मेट्रो में यात्रियों की संख्या न के बराबर रही, स्टेशन पर भी सन्नाटा दिखा। वहीं नोएडा में भी मेट्रो सेवा शुरू की गई, लेकिन यहां भी यात्री कम दिखे। करीब 40 दिन बाद आज से यूपी की राजधानी लखनऊ को भी अनलॉक कर दिया गया है। आज लखनऊ में दुकान और बाजार खुलने से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक लौटी। व्यापारियों को उम्मीद है कि नुकसान के बाद अब उनका बिजनेस पटरी पर लौट सकेगा। यूपी में आखिरी 4 शहरों से कोरोना कर्फ्यू हटने में मेरठ भी शामिल है। अनलॉक के तहत आज मेरठ में भी बाजार खोले गए। हालांकि मेरठ में अनलॉक के पहले दिन बाजार से ग्राहक दूर दिखे, लेकिन अनलॉक के तहत व्यापारियों ने अपनी दुकान खोल ली। वाराणसी में अनलॉक की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सब्जी मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान न तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया और न ही सावधानी बरती गई। वाराणसी में अनलॉक का यह दूसरा दिन था। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शराब की दुकानों पर लोग शराब खरीदने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े दिखे। कहीं कहीं ये लाइन काफी लंबी दिखी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौजूद रही। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोगों को अब महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। लोगों के मुताबिक खाद्य पदार्थों के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं, वहीं व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए खरीदारी कम हो रही है, जिससे दुकानों पर सन्नाटा पसरा है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।